बीबी सिंह, मैं ज्यादा दिन सिंह को टाल नहीं सकूंगा। अच्छा किया आपने, लेकिन मुझे ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? जी बीबी सिंह, मौका ही नहीं मिला, वरना मैं पहले आपको बता देता। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। एक बात और बीबी सिंह, कश्माला बीबी को मुझ पे शक हो गया है, हमें उनसे पहले कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। आप फिक्र ना करें, मैं जल्द से जल्द कुछ करती हूँ। जी बीबी सिंह, खुदा हाफिज। फोन क्यों बंद जा रहा है? सुनिए, रात के 2 बज गए हैं और सरफराज अभी तक घर नहीं आया, फोन भी बंद है उसका, इस तरह से करता नहीं है, पता नहीं कहां रह गया ये। अबे कहीं दोस्तों में बैठ गया होगा, आ जाएगा। परेशान क्यों हो रही हो? खुद सोती हो ना मुझे सोने दे रही हो। लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे भाई, बैटरी खत्म हो गई होगी फोन की। अच्छा आप एक काम कीजिए, उसके दोस्तों को फोन करें। ये को वक्त है किसी को फोन करने का? वैसे भी उसके दोस्तों के नंबर नहीं है मेरे पास, बस एक वो फहद का नंबर है, कहती हो तो उसे कॉल कर लेता हूँ। हाँ हाँ, फहद को कॉल करें, उससे पूछें कि वो उसके साथ है, अगर नहीं है तो दूसरे दोस्तों के नंबर ले लें और पता करें कहाँ है वो। कहता हूँ बाकी दोस्तों के नंबर मुझे मैसेज कर दे अगर हैं उसके पास। बंद है फोन। हाँ वालेकुम अस्सलाम फहद बेटा, सॉरी वो इतनी देर तुम्हें तंग कर रहा हूँ, लेकिन पूछना था सरफराज तुम्हारी तरफ तो नहीं आया? वो बेटा 2 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आया, माँ उसकी परेशान हो रही है। एक काम करो, मुझे बाकी दोस्तों के जरा नंबर टेक्स्ट कर दो। ठीक है बेटा, शुक्रिया शुक्रिया। पांच बरस बीत गए जवार को हमसे बिछड़े हुए, कि महसूस ही नहीं होता कि वो
हम में नहीं है। दिल पर तो हमारे भी बहुत बोझ है साईं जी। मगर जितनी जिंदगी रब साईं ने लिखी है जीनी पड़ेगी ना। आप ज्यादा परेशान ना हो, नीचे कुरान खाने के इंतजामात हम देख लेंगे, आप बस आराम करें। अच्छा बड़े साईं, जाफर साहब सुबह से दो बार आ चुके हैं आपको ये डायरी देने के लिए, लेकिन आप आराम कर रहे थे। जाते हुए डायरी मुझे दे गए थे ताकि आप जब उठें तो आपको ये डायरी दे दें।